welcome to the channel coming back to the topic that is features of switches and in the previous two videos we have discussed the major features of switches right so now we will start with the next point next point we have is its port speed port स्पीड ओके सो जैसे कि हम सब ने डिस्कस किया था कि स्विचेस की जो वर्किंग स्पीड होती है वो भी काफ़ी हाई होती है ठीक है क्यों क्यों हाई होती है यहाँ पे देख लीजिए एक बार ये स्विच है मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं स्विच के साथ में ठीक है सो इसकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो हाई इसलिए होती है अब जैसे यहाँ से डेटा पैकेट जाना है यहाँ पर ठीक है पहले वो स्विच पर जाएगा एंड स्विच उससे डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है तो जो ये स्विच करता है उसमें डिफरेंट पाथ्स होते हैं ऐसा नहीं है कि एक पाथ है एक ही पाथ के थ्रू सभी जगह पे फाइल्स जानी है ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है ये इजीली मेंटेन कर लेता है अ नंबर ऑफ पैकेट्स को ठीक है जितने मर्जी पैकेट्स हैं वो इजीली उन सबको हैंडल कर लेता है सो so, कहीं ना कहीं जो इसकी वर्किंग स्पीड होती है वो डिपेंड करती है उसकी पोर्ट स्पीड पर ठीक है सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर स्विचेज में हम लोग किस लेवल पे पोर्ट को यूज करने वाले हैं वो डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स पे ठीक है सो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं फास्ट इथरनेट फास्ट इथरनेट सिस्टम को यूज करने वाले हैं या फिर गीगाबिट इथरनेट को यूज करने वाले हैं ठीक है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं एक पोर्ट होता है फास्ट इथरनेट पोर्ट दूसरा होता है गीगाबाइट इथरनेट स्विच पोर्ट ठीक है स्विच पोर्ट सो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से पोर्ट को यूज़ करना चाहते हैं ओके सो फॉर द फास्ट इथरनेट इट अलाउ अप टू हंड्रेड एम बी पी एस हंड्रेड एम बी पी एस ऑफ ट्रैफिक पर स्विच पोर्ड वाइल गीगा इंटरनेट अलाउ वज टू हैव वन थाउजेंड मेगाबिट पर सेकेंड ऑफ ट्रैफिक पर स्विच पोर्ट ठीक है तो ये जो रेंज है ये आप लोगों ने याद रखनी है जैसे कि बड़ी डिवाइसिस हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग वैन यूज़ करते हैं ठीक है इफ़ यू यूज वैन्स इफ़ यू यूज स्विचेस इन केस ऑफ वैनस तो हम लोग हमेशा ये वाला नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वैन में क्या है बहुत ज़्यादा एरिया है एंड बहुत ज़्यादा लेवल पे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ठीक है सो so वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है लेकिन अगर हम लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं सिर्फ एक सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर स्विचेस को यूज़ कर रहे हैं तो फास्ट इथरनेट भी यूज़ हो सकता है नेक्स्ट फीचर इज़ इट्स पोर्ट डेंसिटी इट्स पोर्ट डेंसिटी या फिर हम इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ पोर्ट्स ठीक है नंबर ऑफ पोर्ट्स सो हमारे जो स्विचेस होते हैं वहाँ पे कितने पोर्ट्स हम लोग ऐड करना चाहते हैं ये ओवरऑल हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है ठीक है सो पोर्ट डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल ऑन अ सिंगल स्विच ठीक है पोर्ट्स अवेलेबल ऑन अवेलेबल ऑन सिंगल स्विच So, fixed configuration switches support fixed configuration switches. They support up to 48 ports. Okay, they support up to 48 ports on a single device with options up to 4 additional ports. Okay, we can add 4 more ports according to our. रिक्वायरमेंट्स ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप जो होते हैं वहाँ पे आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स जो होते हैं स्विचेस में वो कितने होते हैं तो आंसर इज 48 होते हैं एंड एडिशनल हम लोग कितने ऐड कर सकते हैं फ़ोर ऐड कर सकते हैं ठीक है थीके? या फिर कंपैरिजन में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो स्विचेस होते हैं उनमें कितने पोर्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा पोर्ट्स जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं सब डिवाइसिस में से हाइएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स किस में अवेलेबल होते हैं सो द आंसर इज स्विचेज में अवेलेबल होते हैं एंड फोर्टी एट पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं सो हेयर हाई पोर्ट डेंसिटी अलाउ फॉर बेटर यूज ओके इट अलाउ फॉर बेटर यूज बेटर यूज ऑफ वॉट बेटर यूज ऑफ स्पेस एंड पावर वेन बोथ आर इन लिमिटेड सप्लाई ओके जब पावर एंड स्पेस बोथ आर ऑफ लिमिटेड सप्लाई तो वहाँ पर मल्टीपोर्ट्स यूज हो सकते हैं ईजीली ठीक है जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि हब्स क्या करते हैं हब के साथ मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड होती हैं ठीक है थीके? एक तो वो क्या करते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स वे में काम करते हैं नेक्स्ट हब में ये था कि अगर यहाँ पे डेटा शेयरिंग हो रही है इन दोनों सिस्टम्स के बीच में तो हब क्या करते थे बैंड को वहीं पे ट्रांसफ़र करवा देते थे ठीक है लेकिन स्विचेस के केस में ऐसा नहीं होता है स्विचेस में प्रॉपर वहाँ पे बैंडविट हर एक सिस्टम को बराबर मिलती है ठीक है लेकिन अगर फिर भी वहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेंज हो रही होती है तो स्विचज़ इतने स्मार्ट हैं वो कि ऑटोमेटिकली अपनी फ्रिक्वेंसी अपनी बैंड को अरेंज कर सकते हैं सो यहाँ पे पोर्ट डेंसिटी में एक ये भी होता है मान लीजिए वी आर यूजिंग टू स्विचेस ओके वी आर यूजिंग टू स्विचेस जिसमें कि ट्वेंटी फोर पोर्ट्स हैं ये स्विच है इसमें ट्वेंटी फोर पोर्ट्स हैं दूसरा स्विच है इसमें भी ट्वेंटी फोर पोर्ट्स हैं ठीक है थीके? सो so, यहाँ पे कनेक्शन किस तरह से हो सकता है 24 फोर प्लस ट्वेंटी हमारे पास कितने पोर्ट्स हो गए टोटल हमारे पास हो गए 48 एट पोर्ट्स ओके लेकिन 48 में से हम लोग सिर्फ 46 सिक्स पोर्ट्स को ही यूज़ कर सकते हैं क्यों यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक पोर्ट इसका इस वाले स्विच का एंड दूसरा पोर्ट इस वाले स्विच का आपस में कनेक्शन के लिए भी ज़रूरी है ठीक है अगर जैसे कि हम लोग वैन यूज़ कर रहे हैं वैन में तो वर्ल्ड वाइड हम लोग क्या करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं राइट right? सो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें मल्टीपल स्विचेस को यूज़ करना पड़ता है ठीक है दिस इज स्विच वन एंड दिस इज स्विच टू सो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करना पड़ता है एंड हर एक स्विच में जितने नंबर ऑफ़ पोर्ट्स होंगे उसमें से माइनस वन कर देंगे क्योंकि एक तो उनमें डायरेक्ट कनेक्शन के लिए भी ज़रूरी होगा एंड बाकी के जो ट्वेंटी थ्री हैं कनेक्शन उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बाकी के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं वो कुछ भी डिवाइस हो सकती है ठीक है नेक्स्ट फीचर इज़ इट्स एरर चेकिंग फैसिलिटी यहाँ पे एरर चेकिंग का मतलब ये है कि जब सोर्स से पैकेट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बीच में स्विच में रुकता है ठीक है ये हमने डिस्कस किया था कि स्विचेस क्या करते हैं पैकेट का जो एड्रेस होता है ठीक है सॉरी डेस्टिनेशन का एड्रेस भी रख लेते हैं सोर्स का एड्रेस भी रख लेते हैं एंड पैकेट को पूरी तरह से चेक करते हैं ठीक है सो वहाँ पर जो पैकेट चेकिंग होती है वो एरर चेकिंग होती है ठीक है हमेशा वो डेस्टिनेशन पे पैकेट को फॉरवर्ड करने से पहले एड्रेस को चेक करते हैं कि इस जो पैकेट में कोई फॉल्ट तो नहीं है कोई वायरस तो नहीं है या कोई भी इस तरह का कोई इशू होगा अगर वो सब चेक करते हैं साथ में ये भी चेकिंग होती है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए सोर्स से टेन फाइल्स रिलीज हुई हैं लेकिन डेस्टिनेशन तक सिर्फ एट ही फाइल्स पहुंची हैं तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो सब भी क्या करता है स्विच चेक करता है ठीक है तो पैकेट यहाँ पर फॉरवर्ड करने से पहले स्विच चेक कर लेगा कि सोर्स ने पैकेट्स भेजे थे टेन अब मुझे आगे भी टेन पैकेट्स ही भेजने हैं लेकिन अगर आगे आठ पहुंचते हैं तो वो भी क्या करेगा स्विच ही चेक करेगा एंड प्रॉपर फाइल जैसी फाइल यहाँ से रिलीज हुई थी वैसी ही फाइल डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा देगा सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर फीचर्स ऑफ यूजिंग स्विचेस आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल these पॉइंट्स ऑल these पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू